आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस अवसर पर हरिद्वार में पहला शाही स्नान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले हर की पैड़ी पर अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ। इस दौरान साधु संतों और नागाओं ने स्नान किया। हर की पैड़ी पर स्नान के लिए काफी भीड़ रही। इसके लिए पुलिस बल भी जगह जगह तैनात रहा। 7 अखाड़ों ने आज शाही स्नान में भाग लिया और शिवालयों में हर की पैड़ी का जल चढ़ाया। प्रशासन ने आज के शाही स्नान को देखते हुए हर की पैड़ी को केवल अखाड़ों के लिए आरक्षित किया था। सबसे पहले श्री पंच दशना जूना अखाड़ा ने स्नान शुरू किया, जिसकी अगुवाई जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने की। इसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी का जुलूस शाही वैभव के साथ स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंचा। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में किन्नर अखाड़ा की ओर से स्नान किया गया। इस दौरान निकाले गए जुलूस का नेतृत्व निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने किया। श्री पंचायती निरंजनी और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर समेत अन्य संतों ने भी हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में स्नान किया। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और साधु संत ने डुबकी लगाई। वहीं आम जनमानस भी मीलों पैदल चलकर गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं। भीड़ अधिक ना हो इसके लिए शहर के अंदर किसी भी वाहन को एंट्री नहीं दी गई है। बाहरी क्षेत्रों में वाहन खड़े करने के बाद ही श्रद्धालु पैदल ही गंगा घाटों की तरफ रवाना हो रहे हैं। प्रशासन ने ऋषिकुल गंगा घाट, कश्यप घाट, गोविंदपुरी, प्रेमनगर आश्रम घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। हर की पैड़ी से सटे नाई सुधा घाट, सुभाष घाट, अलकनंदा घाट, बिरला घाट पर भी हर की पैड़ी जैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। शाही स्नान के दौरान हर की पैड़ी पर उत्तराखंड पुलिस बैंड के द्वारा भजन धुन की प्रस्तुति भी दी गई। वैश्विक महामारी को देखते हुए जिस तरह से शासन प्रशासन ने, मेलाधिकारी ने, पुलिस मेलाधिकारी ने जो व्यवस्था कर रखी है वो भव्य और दिव्य है और बहुत आसानी से सभी श्रद्धालु संत स्नान कर रहे हैं और महाशिवरात्रि को आपके चरणों में सबको बधाई। पहले शाही स्नान में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पहुंचे और ब्रह्मकुंड पर महाशिवरात्रि पर्व पर स्नान कर रहे श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के संत महात्माओं का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी से भी सख्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से निवेदन किया कि कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कुंभ का पहला शाही स्नान है, इसे विशेष बनाने के लिए राज्य सरकार सभी साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ के आयोजन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आज महाशिवरात्रि के दिन पर शाही स्नान सुबह 8 बजे तक जनता के लिए ओपन था। बड़ी भारी मात्रा रात भर लोग यहाँ स्नान करने आए थे और सुरक्षित वो लौटे हैं। उसके तत्काल बाद अखाड़ों शुरू हुए और पांचों अखाड़े बड़े शांतिपूर्ण तरीके से स्नान किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर से भी उनका स्वागत और अभिनंदन फूल वर्षाओं से हमने करवाया है। कोई शक्ताई नहीं है, इतना जरूर है कि जो उसकी गाइडलाइन है कोविड की उसका पालन करें। वहीं आज महाशिवरात्रि होने से हरिद्वार के शिवालयों में जल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ जुटी रही। कांवड़ यात्रा के कारण दूसरे प्रांतों से भी श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार आज भगवान शिव और मां गंगा के जय उद्घोष से गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने साधु संतों और नागाओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कुंभ मेले के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग गंगा घाटों में स्नान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नए बस स्टैंड को आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा यहां किए गए हैं। पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स, कमांडो दस्ते और डॉग स्क्वाड भी कुंभ मेले में तैनात किए गए हैं।
हर की पैड़ी और मालवीय घाट में साफ सफाई हमारी हो चुकी है और अन्य सभी घाटों पे भी काफी अच्छे तरीके से स्नान संपन्न हो रहा है। इसमें अच्छे बस स्टैंड्स का तो बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, टॉयलेट्स का भी पूरा प्रयोग हो रहा है। हमने 10 टॉयलेट्स के ऊपर एक इनफैक्ट सैनिटरी वर्कर दिया हुआ है और हर 10 टॉयलेट्स पे एक हमने वॉश बेसिन भी दिया है। शाही स्नान के दिन आप जानते हैं कि हर की पैड़ी एक तरह से रिजर्व्ड होती है घाटों के लिए, लेकिन बाकी हमारे टोटल 9.5 किलोमीटर के घाट हैं जो हरिद्वार में हैं। इसमें कनखल के भी घाट हैं, मायापुर के भी घाट हैं, सभी रोड से कनेक्टेड हैं, उसका वो लोग जरूर प्रयोग करें। और इनफैक्ट हमारे जितने बस स्टैंड्स भी हैं, अगर हम धीरवाली को छोड़ दें तो उनसे लगते हुए, इनफैक्ट उनसे चिपके हुए भी हमारे घाट से, उन सबका प्रयोग किया जाए। प्रशासन के अनुसार आज पहले शाही स्नान में करीब 22 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया है।